अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब क्षेत्र से, जहां आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या अब पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार न मिलने के कारण अपराध की ओर अग्रसर कर रही है। आज हर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक लोगों को अपना परिचय बताने में भी शर्म महसूस करता है। देश का संचालन कर रही सरकार के पास ना तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नीति है और ना ही रीत। ऐसे बेरोजगारों के लिए आज देवनगरी देवतालाब में सम्यक अभियान के तहत विशेष अभियान छेड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में आज देवतालाब स्टेडियम में कांग्रेस नेता डॉक्टर SS तिवारी की अगुवाई में सम्यक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्यक अभियान के मार्गदर्शक भास्कर राव रोकड़े, वरिष्ठ विचारक एवं लेखक तथा मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीति पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर SS तिवारी ने कहा कि सम्यक अभियान प्रदेश के हर विधानसभा जिलों में आयोजित होगा, जिसमें 1 जनवरी 2024 को भोपाल में लाखों युवाओं के साथ भविष्य के मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसमें रिटायरमेंट की आयु 68 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाए। साथ ही समान कार्य समान वेतन श्रमिक कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ड्राफ्ट पास कराने पर चर्चा होगी। ये जो युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, जिले में और खासकर देवतालाब विधानसभा में जहां हम पूरी तरह केंद्रित हैं, तो वहां जो युवा बारहवीं पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर लिए हैं और रोजगार का संकट है, उनका रोजगार की समस्या का समाधान कैसे हो और शासन की कौन से रीत नीति है जिनके कारण से युवा बेरोजगार हुए हैं और युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना कहाँ से बन सकती है, इस विषय पर चिंतन करने के लिए वरिष्ठ विचारक और चिंतक भास्कर राव रोकड़े जी आए हैं और वो सुझाव और सलाह दे रहे हैं कि सत्ता सरकारें जो भी हों जिनके कारण से युवा हताश निराश हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उनको रोजगार के अवसर कैसे मिले, इस विषय पर चिंतन मनन करने के लिए आज ये अभियान चलाया गया। ये सम्यक अभियान इसमें आगे किस तरह का कार्यक्रम होगा? एक तिथि निर्धारित हुई है जिस पर एक ड्राफ्ट बनेगा और लाखों युवा भोपाल में इकट्ठे होंगे 1 जनवरी 2024 को, और जो भी सत्ता शासन होगा, जिसका जो मुख्यमंत्री बैठेगा, हम लोग वो ड्राफ्ट पास करके देंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसमें से जो रिटायरमेंट की आयु 65 साल है उसको 58 साल करी जाए, जिससे लगभग 5,30,000 युवाओं को दोबारा नौकरी के अवसर प्राप्त हों, समान कार्य समान वेतन है, श्रम कानून लागू करने का है, इस तरह के मुद्दे हैं जहां रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।